लैंड प्रोटोकॉल्स के नेक्स्ट पार्ट में जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है आपका CSMA, विच स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस। सी, इस वर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कैरियर सेंस एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल एक्सिस। कैरियर सेंस का मतलब होता है कि आपकी कैरियर वेव, मीन्स वो वेव जो आपके डेटा को ट्रांसमिट करने का काम कर रही है, उस कैरियर वेव को पहले सेंस करो, उसके बाद डेटा को क्या करो, ट्रांसमिट करो। सेंस करने का मतलब ये होता है कि आप चेक करो कि उस ट्रांसमिशन के लिए वो कैरियर वेव फ्री है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका आता है मल्टीपल एक्सेस का। मल्टीपल एक्सेस का मतलब जिस कैरियर वेव के थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हो वो कैरियर वेव मल्टीपल पेयर्स के बीच में शेयर्ड होती है। इसका मतलब ये कि मल्टीपल सेंडर्स और ट्रांसमिटर्स एक सिंगल जो कैरियर वेव है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्लियर हो गया। और चूंकि मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और सेंडर्स और रिसीवर्स शेयर करते हैं एक कैरियर वेव को, इसीलिए हमें उस कैरियर वेव को सेंस करना ज़रूरी होता है कि जब हम डेटा को ट्रांसमिट करने जा रहे हैं तब दूसरा कोई डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रहा हो, वरना डेटा के कॉलिजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो CSMA बेसिकली इस बात पे फोकस करता है कि आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो उसके पहले चेक करो कि आपका जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव का सिंपलेस्ट मीनिंग है आपका कम्युनिकेशन चैनल, वो जो चैनल है वो फ्री है या नहीं है। अगर वो फ्री है तो डेटा सेंड करो, अगर वो फ्री नहीं है तो उसको क्या करो, दोबारा से सेंस करो, और जब भी वो फ्री मिले तब अपना डेटा सेंड करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस चीज़ को समझें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस द कैरियर वेव टू चेक इफ एनीवन एल्स इज ट्रांसमिटिंग द डेटा, सेम थिंग। सेकंड, इफ द कैरियर वेव इज़ फ्री देन सेंड द डेटा, अगर आपका कम्युनिकेशन चैनल फ्री है तो डेटा को क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। एंड इन केस इफ एनीवन एल्स इज यूजिंग द कैरियर वेव, अगर ऐसे केस में जब कोई और बंदा क्या कर रहा है, इस कैरियर वेव को इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए, वेट फॉर सम टाइम, देन सेंड द डेटा। दोबारा से सेंस करके आप डेटा को क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ CSMA। CSMA कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, तो बेसिकली CSMA इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज वन परसिस्टेंट CMA, नेक्स्ट कम्स नॉन परसिस्टेंट CMA, एंड द थर्ड वन इज पी परसिस्टेंट CSMA, ठीक है। इनको हम डिटेल में समझेंगे। वन परसिस्टेंट CSMA, नॉन परसिस्टेंट CSMA बेसिकली सेम होते हैं, इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें जाना है अपने घर से कहीं बाहर, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। कोरोना से बाद की बात बता रही हूँ, कोरोना के दौरान अलाउड नहीं है, ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है। अब अगर ट्रैफिक आपका है तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे, फिर दोबारा से चेक करोगे। और जिस टाइम आपका ट्रैफिक कम होगा उस टाइम आप क्या करोगे, ज़्यादा प्रेफर करोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी कि उस टाइम आप क्या करो, अपने घर से बाहर निकलो। क्लियर हो गया। तो सेम चीज़ होता है इधर वन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में। वन परसिस्टेंट ऐसा बोलता है कि आप क्या करो, कम्युनिकेशन चैनल या कैरियर वेव को, CW मीन्स कैरियर वेव, तो कैरियर वेव को क्या करो, सेंस करो। अगर आपकी कैरियर वेव आइडल है, आइडल मतलब आपका ट्रैफिक नहीं है, तो आप डेटा को क्या कर दो, सेंड कर दो। और अगर आपकी कम्युनिकेशन चैनल उस टाइम पे आइडल नहीं है, मतलब फ्री नहीं है, तो आप क्या करोगे, बार 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 चेक करोगे, टाइम का वेट नहीं करोगे, अभी चेक किया नहीं, कोई ना कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वेट नहीं किया, दोबारा से चेक करो, वापस चेक करो, वापस चेक करो। तो ये चीज़ होती है वन परसिस्टेंट में, मतलब इसमें सब्र नहीं होता, पेशियंस नहीं होता। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा बार बार चेक करने का हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली चेक करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी में हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और वो मॉडिफिकेशन क्या था कि बार बार चेक करने से थक जाते हैं, तो हम एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। अभी देखा आइडल है, नहीं है, चलो 15 मिनट बाद देखेंगे, फिर देखा आइडल है, नहीं है, चलो आधे घंटे बाद चेक करेंगे। मतलब हम कंटिन्यूअसली फ्रिक्वेंटली पुक नहीं कर रहे, हम थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम वापस करियर वेव को क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट थोड़े अमाउंट के लिए वेट करता है फिर सेंस करता है। अगर आइडल है तो आपका वन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट दोनों सेंड कर देंगे डेटा को। बट इन द केस अगर आपका कैरियर वेव या कम्युनिकेशन चैनल आइडल नहीं हुआ, तो वन परसिस्टेंट तो बार 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 चेक करेगा जब तक कि वो आइडल नहीं होता, और नॉन परसिस्टेंट क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए वेट करता है, देन वापस चेक करता है। क्लियर हो गया। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था। थर्ड हमारे पास आता है पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट वर्क्स ऑन द प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरी करियर वेव, सेंस तो ये भी करता है, तो अगर मेरी करियर वेव आइडल है तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, 1 यानी कि 100% गारंटी है, कोई और तो है ही नहीं, तो कॉलिजन के चांसेस नहीं होंगे, तो 1 प्रोबेबिलिटी के साथ मैं अपने डेटा को क्या कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, आइडल नहीं है, तो जाएगा तो सही मेरा डेटा, पर लेस प्रोबेबिलिटी के साथ जाएगा, 100% गारंटी में अपने डेटा की डिलीवरी की नहीं ले सकती, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं करियर वेव के दो टाइप्स के बारे में। CSMA फर्दर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड रहता है, 2 पार्ट्स में, मतलब 2 टेक्निक्स है CSMA की, 2 अलग अलग टेक्निक्स से काम करता है। एक तो होता है आपका CSMA CA एंड द सेकेंड वन इज CSMA CD। CSMA CA का मतलब कॉलिजन अवॉइडेंस एंड CSMA CD का मतलब कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं कॉलिजन डिटेक्शन को। देखिए, डिटेक्शन का मतलब आपका एक्सीडेंट हो चुका है, और अवॉइडेंस का मतलब आपका एक्सीडेंट न हो इसके लिए आप हेलमेट पहन के चल रहे हो, लाइसेंस लेके चल रहे हो, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, बेसिक लैंग्वेज में समझे तो, ठीक है ना। कॉलिजन डिटेक्शन को समझते हैं, तो देखिए 3 डायग्राम्स दे रखे हैं मैंने आपको, 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। सेकेंड में सेम टाइम पे क्या कर रहा है, बी भी डेटा को सेंड कर रहा है, और बाद में दोनों क्या कर देते हैं, आपस में डेटा दोनों के कोलाइड हो जाते हैं, और दोनों उस कॉलिजन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और इन केस जब दोनों को पता चलता है कि हमारा क्या हो चुका है, डेटा कोलाइड हो चुका है, तो दोनों फिर वापस क्या करते हैं, डेटा को रीट्रांसमिट करते हैं। यह आपका होता है कॉलिजन डिटेक्शन। सेकेंड आपका आता है कॉलिजन अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि कॉलिजन न हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके चलते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स लेके चलते हैं, या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके चलते हैं। कॉलिजन अवॉइडेंस बेसिकली आपके 2 पैकेट्स पे वर्क करता है। पैकेट्स मतलब ऐसे डेटा पैकेट्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, मैसेज होगा, और वो 2 पैकेट्स आपके कहलाते हैं RTS एंड CTS। RTS का मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड, एंड CTS का मतलब होता है क्लियर टू सेंड, क्लियर। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए एक ऐसा सेंडर है जिसको बी को क्या करना है, मैसेज ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कैरियर सेंस को तो एक्सेस करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा, एक RTS मैसेज भेजेगा। RTS का मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मैं अपना डेटा सेंड करूँ, आप अलाउ करो। तो अगर सपोज मान लो कि बी के पास अभी तक कोई और मैसेज ना तो वो रिसीव कर रहा है ना ट्रांसमिट कर रहा है, तो बी अभी क्या है, फ्री है, तो वो क्या करेगा, एक CTS मैसेज भेजेगा। CTS मैसेज का मतलब होता है क्लियर टू सेंड, यानी कि यस द पाथ इज क्लियर, यू कैन सेंड योर पैकेट्स या यू कैन सेंड योर मैसेज, राइट। और जैसे ही CTS मिलता है, CTS यानी कि ग्रीन सिग्नल मिलता है RTS को, तो फिर RTS क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। इस टेक्निक को यूज़ करके हम कॉलिजन को काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। 100% की गारंटी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि हमारे कॉलिजन्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका होता है CSMA।